पहचानिए ये कौन है, कमेंट करके बताइए कि ये है कौन। सब्सक्राइब करें सत्य एट किचन को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं आप? आज के ब्लॉग में कुछ बहुत स्पेशल है और जिसकी खबर मुझे भी नहीं थी। मैं आपको एक ऐसे यूट्यूबर से मिलवा रही हूँ, ऐसे व्लॉगर से मिलवा रही हूँ, जिसको देख करके आपको भी निश्चित तौर पे आश्चर्य होगा, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं था। तो देखना है, रेडी हैं? रेडी हो जाइए। पहचानिए ये कौन है, कमेंट करके बताइए कि ये है कौन। इतना भी नहीं पहचानते लोग। देखिए ये कौन है। अभी बहुत टाइम लगेगा ऐसे चेहरा देख के पहचान। ये है ड्रैको गेम और ये है मयंक वाईटी। ये दोनों गेम खेलते हैं, ब्लॉगिंग भी करते हैं और ये दोनों मेरी बड़ी दीदी के लड़के हैं। जो ड्रैको गेम है वो मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी का लड़का है और ये जो है ये मेरी मंझली वाली यानी मेरी से जो बड़ी बहन है उसका लड़का है। पूरी फैमिली और मेरा इन लोगों ने मुझे ज़रा सा भी नहीं बताया कि ये मेरे घर आने वाले थे और मेरे घर की हालत अब देख सकते हैं। क्योंकि एक कमरा है और मैं भाग भाग के घर बाहर करती रहती हूँ, तो आज मैंने अपने घर को बिल्कुल ठीक नहीं किया था। सबसे बुरी बात यह कि लोगों ने मुझे नहीं बताया ना थी। दिखाऊंगी कि मेरे लिए क्या लेके आया है। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर डिटेल में पूरा विस्तार से आपको दिखाऊंगी। कोई नहीं बताया, तुम भी नहीं बताया, मेरा पूरा घर बहुत अस्त व्यस्त। छोटा सा जगह में अगर ज़्यादा मॉनिटर रखना हो तो उसके लिए वो होता है। सेटअप इज स्टार्टिंग। इधर ही लगा दिया, सीपीयू यहाँ रख दिया, ठीक है। अरे ले लेंगे, कोई बात नहीं। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर दिया है इन लोगों ने मुझे कि मैं इस सदमा ही हो गया, सदमे से नहीं निकल पा रही हूँ और पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मतलब अवाक सी, जैसे अवाक हो जाते हैं ना, वैसे हो गई हूँ मैं कि आ गया है, सिस्टम लग गया मेरा,
इस बात की भी बहुत खुशी है, ये आया हमारे यहाँ इस बात की भी खुशी है, और ये सारा जो है ना मिक्स हो गया है। और मतलब मैं इसे खाना बना करके भी नहीं, बस एक चाय पिला के भेज रही हूँ यहाँ से। अरे मोबाइल ले लिया ना तुम लोग, मास्क लिए? चलो ठीक है ना, बाय बाय बाय। ठीक है चलो, ठीक है चलो। ओके बाय। नहीं आ रहा क्या बोलूं, ये कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, कोई शब्द दे करके नहीं बोल पा रही हूँ कि क्या लगा। तो शुरू से बताती हूँ आज का डे। और ये बनाया था चावल और अंडा करी, वो मैं आते खाते ही बीच में गेट नॉक किया तो सबके फेस पे मास्क, अलग से देखा तो हाथ में ऐसा लगा कि कोई फाइल वाइल टाइप की पकड़ी है, तो मुझे ऐसा लगा कि ऑफिसर वगैरह आए हैं, क्यों आए हैं ऐसा लगा। लेकिन ये अचानक दो सेकंड से तीन सेकंड तक में मेरी नज़र जब स्थिर हुई छोटकू यानी ड्रैको गेम्स को, यूट्यूब पे जो लोग जानते हैं, हम सबसे प्यार से घर में बचपन से छोटकू बुलाते हैं, तो छोटकू के मुंह पे मैं मास्क देखा। उसके बाद अखिल का सर, मेरा अखिल यानी मयंक वाईटी को, जो आप लोग जानते हैं मयंक वाईटी के नाम से यूट्यूब चैनल पे दोनों गेम खेलते हैं, दोनों ही आधा मास्क था, बस फोरहेड दिख रहा था दोनों का, वहाँ से मैंने थोड़ा सा देखा और 3 सेकंड में समझ गई, और मैं अवाक रह गई कि मुझे ये लग रहा था कि पहले से पता होता तो मॉर्निंग में ही घर का काम निपटाती, मैंने सोचा था कि मैं सुबह सुबह पता चलेगा कि ये लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग जब शौक होता है कि अपने हाथ का अच्छा सा कुछ खाना खिलाते हैं, यही सोचा था। और मेरा घर का जो कबाड़ा बना हुआ था, और कबाड़ा बनने का कारण भी था, तीनों बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो टाइम इन लोगों के पास नहीं है कि वो मेरा वीडियो एडिट करेगा, घर का काम निपटा दे। इस बार पहली बार आप सब मुझे इतने गंदी हालत में देखेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा भी होता है, रियलिटी तो होती है कि घर अस्त व्यस्त है, एक कमरे का घर अस्त व्यस्त भी होता है, चलता है। लेकिन आया, एक तो आया बिना बताए आया, और बिना बताया आया वो आ गया वो, और सिस्टम लेकर के आया, तो ये सारी चीज़ जो तीनों चीज़ है ना वो मिक्स हो गई। अब मेरा जो रिएक्शन था ना वो इसी तरह से था कि तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं। फिर उसने मुझे, आपने देखा ही कि ये सिस्टम उसने मुझे दिया है, और ये गिफ्ट जो है मेरा रैको गेम्स और छोटकू, जिसे अंकित शर्मा बोलते हैं, डॉक्टर डेक्स यानी अनिकेत, इन लोगों ने मुझे गिफ्ट किया है ये। तो ये जो गिफ्ट है वो है मेरे बहन के बच्चों ने किया है, सबसे बड़ा सरप्राइज था इस बार का बर्थडे का आपको सबसे अच्छा। और मेरे लिए, तीन बहन हूँ, तीन बहन में मेरे से जो दो बड़ी बहन है ना, तो बड़ी बहन का बेटा ड्रैको गेम्स, और सेकंड नंबर की जो दीदी है उसका बेटा है ये मयंक वाईटी, तो ये सब मेरी बहन के बच्चे हैं। आज तक नहीं बोला मैंने, बस आज का व्लॉग को बस यहीं पे रखूँगी। ये बहुत बड़ा, मेरे ऐसा लगा कि मेरे कान के नीचे एक ऐसा बॉम्ब फोड़ दो जिसकी एक आवाज़ जो होती है कान में सीटी बजती है ना, सीटी, वो सीटी बजा के चला गया कान में। अब उस सीटी के बाद आदमी जो होता है ना वो ऐसी कंडीशन में होता है कि वो बोल नहीं पाता है, और उस सीटी की आवाज़ बिल्कुल काम करना भी बंद कर दिया है। मैं हूँ बहुत खुश हूँ, अब मैं अपना वीडियो सिस्टम से बनाया करूँगी, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिक्सर लगा करके गया है ये व्लॉग जो है, इसलिए मैंने बनाया क्योंकि
यादें धीरे धीरे करके, जब आप याद कभी किसी मोमेंट को करते हो तो याद आता है, लेकिन ये मेरे, मैंने इसे कैप्चर किया है। मिलती हूँ फिर से किसी, सब्सक्राइब करते रहिए सत्या एट किचन को।